राधे राधे मित्रों, आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद् गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक को। दूसरे श्लोक में हमने जाना था कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास जाता है और आचार्य द्रोण से कुछ कहता है। दुर्योधन आचार्य द्रोण से क्या कहता है, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक को। पश्येतं पाण्डुपुत्राणां आचार्यं महतिं च मुं व्योढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य के लिए आचार्य शब्द का प्रयोग करता है। द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके अर्थात कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप हम सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तव शिष्येण धीमता, अर्थात आपके बुद्धिमान शिष्य। इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्रेण, अर्थात द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। यह पद कहने का दुर्योधन का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, लेकिन द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो बैर रखता था, उस बैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि अब बैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्राणाम एतम जुढ़ाम महतिम चमूम पश्य, अर्थात पांडवों की इस व्यूह रचना से खड़ी की हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। दुर्योधन कहता है कि द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते। परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 109,350 पैदल सैनिक होते हैं। यद्यपि कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी, फिर भी दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम देते हैं। पहला, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। दूसरा, पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी न समझे, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें।
पांडवों का सेनापति द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न है तो आपका ही शिष्य, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर आचार्य द्रोण से क्या कहता है, और ये क्रम आगे भी जारी है जिसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर ले। इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।